लेट हो गया मैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? फिर तो लोकल है। जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आओ करे दर्शन में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको राम झूला के बगल में एक कच्चा घाट पड़ता है वहां पर ले चलूँगा, और वहां पर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आपने पक्के घाट हरिद्वार में, ऋषिकेश में बहुत जगह देखे होंगे। तो यहाँ पर आप चारों ओर देख सकते हैं, यहाँ पर कच्चा घाट है और कुछ जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर आए हुए भी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो रेत के साथ खेलते भी हैं। तो अभी हम आपको उस घाट पर ले चलेंगे, और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, स्नान भी करते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये घाट जो है काफ़ी अच्छा है। और लगातार आप पक्के घाट भी देखते आए हैं तो कुछ अलग भी आपके लिए होगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, और इसी तरह की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं और घाट के करीब, और यहाँ के जो सुंदर व्यू हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम एक साइड से करेंगे, एक साइड से दूसरी साइड तक चलेंगे। और राम झूला यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये राम झूला है, और राम झूला के बगल में ही ये कच्चा घाट पड़ता है। लगभग राम झूला से अगर आप पैदल आएंगे तो 100 मीटर पैदल चलते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, और शनिवार और रविवार को तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि वीकेंड के दिनों में यहाँ पर बहुत सारे लोग लंच लेकर आते हैं और यहीं पर धूप में बैठते हैं और लंच करते हैं। तो अभी हम ले चलेंगे आपको पास से। दोस्तों, अगर आप यहां पर स्नान भी करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर रेलिंग नहीं लगी हुई है तो आप गहराई में ना जाएं, आसानी से किनारे पे बैठकर स्नान कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको पत्थर देखने को मिलेंगे, यहां पर बैठकर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और अब मैं गंगा जल के करीब आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आगे, और इसी तरह के जो सुंदर व्यू हैं आपको और देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। लेट हो गया। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? फिर तो लोकल है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चे भी हैं जो रेत के साथ खेल रहे हैं। तो वही मैंने आपको शुरू में ही कहा था, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बस आपको सेफ्टी रखनी होगी, उनकी आंखों में रेत ना जाए, और आसानी से वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि गोवा में ऐसे बीच बने हुए हैं, लेकिन ये पवित्र नदी गंगा जल के करीब ये ऐसे घाट, कच्चे घाट बने हुए हैं। तो आगे ले चलते हैं आपको। अगर आप अच्छी पिक्स लेना चाहते हैं, फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर अक्सर लोग फोटोग्राफी करते हुए यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और काफ़ी बड़ा ये एरिया है, तो आप आसानी से यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं, और गंगा जल के करीब अगर आप वॉक करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो चलते हैं, ऐसे ही और व्यू आपको आगे देखने को मिलेंगे।
बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो गहराई में ना जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी के लिए कोई भी रेलिंग नहीं लगी हुई है और कुछ पता नहीं है कहाँ पर गहराई काफ़ी ज़्यादा हो। और देख सकते हैं बहुत सारे जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं स्नान कर रहे हैं इस समय। और सामने जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको ये कच्चा घाट ही नज़र आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, माँ गंगे के दर्शन आपने कर लिए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।